only forward traversal, single direction traversal was there, forward traversal was there. Back tracking was not possible in single English. So in Dublin English, there is one more pointer. See, दिस इज योर इन्फो पार्ट जो अभी तक आप स्टोर करवाते हो वैल्यू 10, 20, 30, 40, 50 एंड देर इज वन प्रीवियस पॉइंटर विच विल पॉइंट टू प्रीवियस नोड एंड नेक्स्ट इज अ पॉइंटर विच विल पॉइंट टू नेक्स्ट नोड सो बेसिकली प्रीवियस विल कंटेन द एड्रेस ऑफ प्रीवियस नोड एंड नेक्स्ट विल कंटेन द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड सो सपोज आपके पास फर्स्ट नोड है दैट हैज सम एड्रेस 1000 सेकेंड नोड इज स्टोर्ड एट एड्रेस 2000 And third node is stored at address 3000. Now, since it is doubly linked list, the first node ke corresponding aapke paas kya hoga? Koi previous node exist karta hai yahan par? No. So null will be stored in this part. Head or start node will contain address of first node, just like single linked list. Now, previous of first node will contain हाँ जी प्रीवियस ऑफ फर्स्ट नोड विल कंटेन अ नल एंड नेक्स्ट ऑफ फर्स्ट नोड विल कंटेन क्या होगा यहाँ पर 2000 एड्रेस ऑफ सेकंड नोड दैट इज 2000 नाउ सेकंड नोड की बात करें तो नेक्स्ट ऑफ दिस नोड विल कंटेन एड्रेस थर्ड नोड 3000 एंड प्रीवियस ऑफ सेकेंड नोड के अंदर कौन सा एड्रेस होगा एड्रेस ऑफ प्रीवियस नोड और प्रीवियस नोड का एड्रेस कितना है 1000 सो प्रीवियस ऑफ सेकेंड नोड विल कंटेन एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड विच इज 1000 नाउ इन 3000 अगर थर्ड नोड की आप बात करो तो प्रीवियस में क्या होगा वैल्यू 2000 एड्रेस ऑफ प्रीवियस नोड Which is 2000. और नेक्स्ट में क्या आएगा आपके पास सिंस इट इज लास्ट नोड सो नल विल बी देयर नल वैल्यू विल बी देयर अब एज यू कैन सी देयर आर टू पॉइंटर्स सो दो पॉइंटर्स हैं तो आपके पास लिंक भी दो पॉसिबल होंगे यहाँ पर वन फ्रॉम प्रीवियस नोड टू नेक्स्ट नोड एंड देन फ्रॉम नेक्स्ट टू प्रीवियस नोड सो दो दो लिंक होंगे इनके बीच में दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड डबली लिंक एडवांटेज क्या है इट कैन बी ट्रेवर्स्ड इन ईदर डायरेक्शन फॉरवर्ड एज वेल एज जो आपका प्रीवियस फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड ट्रेवर्सल इज पॉसिबल इन डबली लिंक्ड लिस्ट इंसर्शन डिलीशन बिकम्स इजियर डिसएडवांटेज आपने क्या किया एक और पॉइंटर स्टोर किया सो इट रिक्वायर्स मोर स्पेस मैनिपुलेशंस आर स्लोअर सी अब नोड स्ट्रक्चर कैसा होगा हमारा This will be the node. Center part contains info part or data. This is info or data. And there is previous pointer and next pointer. Previous will contain address of previous node and next will contain address of next node. And ji structure sabko samajh mein aaya doubly linked list ka? तभी हम उसका क्रिएशन करेंगे किसी को भी कोई डाउट है ये स्टूडेंट्स एनी डाउट इन डबली लिंक्ड लिस्ट स्ट्रक्चर नो ओके सो क्रिएशन में हमारे पास क्या आता है सी स्ट्रक्ट नोड इन इनफो जस्ट लाइक सिंगल लिंक लिस्ट आप स्ट्रक्चर बनाओगे स्ट्रक्ट नोड इन इनफो स्ट्रक्ट नोड हाँ जी क्या एडिशनल है यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में क्या ऐसा है वेरिएबल जो एडिशनल है प्रीवियस इज द एडिशनल बाकी सब कुछ सेम है जो हमने सिंगल लिंक लिस्ट में किया था सो वन पॉइंटर प्रीवियस विल बी देयर और प्रीवियस किसको पॉइंट कर रहा है अगेन सेम नोड नोड किस टाइप का है इसी स्ट्रक्चर टाइप का दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड दिस टर्म स्ट्रक नोड एस्ट्रिक नेक्स्ट एस्ट्रिक प्रीवियस इनिशियली आपके पास क्या है सिंगल आपके पास डबली लिंक लिस्ट आपको क्रिएट करनी है तो स्टार्टिंग में कोई नोड नहीं है तो स्टार्ट में वैल्यू क्या होगी नल नल
सो स्टार्ट इज इक्वल टू नल. अगेन हम यूजर से पूछेंगे, डायनेमिक क्रिएशन है तो यूजर की चॉइस डिपेंड करेगी कि आपको नोड क्रिएट करना है या नहीं करना. struct node asterisk node is equal to struct node asterisk malloc size of struct node. क्या करता है ये? हाँ जी, अब ये क्या करेगा, malloc is used for dynamic allocation of memory. ये क्या करेगा, कितनी मेमोरी एलोकेट करेगा, जितना इस स्ट्रक्चर का साइज है, और उसको किस में कन्वर्ट करेगा, इट विल कन्वर्ट इट इन बाइट साइज विद द हेल्प ऑफ दिस साइज ऑफ ऑपरेटर. और जितना बाइट मेमोरी का रिजर्व होगा, जितना साइज होगा, दैट विल बी रिजर्व फॉर दिस पर्टिकुलर नोड. बाय डिफॉल्ट malloc कैसा रिटर्न करता है, किस टाइप का पॉइंटर रिटर्न करता है? void type. और ये हमने क्या किया हुआ है, व्हाट इज दिस? हाँ जी, टाइप कास्टिंग. एग्जैक्टली, दिस इज टाइप कास्टिंग. क्योंकि बाय डिफॉल्ट malloc कैसा रिटर्न करता है, इट रिटर्न्स अ पॉइंटर ऑफ void type. एंड इन सम कंपाइलर वी नीड टू डू दिस टाइप कास्टिंग. और टाइप कास्टिंग कैसे है, अगेन struct node asterisk type. अब आपने क्या किया, डायनेमिक एलोकेशन से malloc के थ्रू एक मेमोरी रिजर्व करवा दी. अब हमें क्या करना है, बेसिकली उस नोड के इन्फो पार्ट में क्या स्टोर करवाना है, num वेरिएबल. सो हमने क्या किया, एक num को डिक्लेयर किया यहाँ पर, int num, एंड स्कैन ऑफ द वैल्यू ऑफ num. इट मीन्स सिंपली ये क्या करेगा, एक वैल्यू रीड करेगा और उसको कहाँ पर प्लेस करेगा, इस पर्टिकुलर नोड में. दिस इज num. सिंस इट इज फर्स्ट नोड, अब एक चीज बताओ, अगर ये मेरा फर्स्ट नोड है तो इसके प्रीवियस पार्ट में क्या आना चाहिए? नल. नल. फर्स्ट नोड है तो प्रीवियस पार्ट में क्या होगा, नल. और नेक्स्ट पार्ट में क्या होना चाहिए, एड्रेस ऑफ सेकंड नोड. बेटा अभी सेकंड नोड क्रिएट ही नहीं किया, दिस इज द फर्स्ट. नल होगा. Null will be stored in previous as well as in next pointer. So single term में यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको दो statement में भी break कर सकते हो. Node previous is equal to null and node next is equal to null. हाँ जी, any doubt in this particular slide? In statements में किसी को भी कोई doubt है? No? अब आपने क्या किया, फर्स्ट नोड क्रिएट कर दिया, ऐसा आपका नोड बन चुका है जिसके प्रीवियस और नेक्स्ट पार्ट दोनों में नल है. सो वी हैव टू लिंक दिस नोड विद आवर स्टार्ट नोड. कैसे करेंगे, क्या स्टेटमेंट यूज करेंगे? सिंपली इस नोड का एड्रेस स्टार्ट में डालना है, तो क्या लिखेंगे, स्टार्ट में नल डालेंगे. स्टार्ट इज इक्वल टू नोड, नल क्यों डालेंगे बेटा? स्टार्ट इज इक्वल टू नोड, इट मीन्स जो हमारे नोड का एड्रेस है 1000, वो जाकर के कहाँ स्टोर होगा, स्टार्ट में. तो स्टार्ट में वैल्यू क्या आ जाएगी, 1000. और जैसे ही आप ये स्टेटमेंट लिखोगे, वन लिंक विल बी एस्टैब्लिश्ड बिटवीन आर स्टार्ट एंड दिस पर्टिकुलर नोड. गॉट इट? यस मैम. हमने इतना काम किया, वी हैव क्रिएटेड वन नोड. अब क्या करेंगे, व्हाइल चॉइस इज इक्वल टू यस, अगेन क्या होगा, स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक नोड, स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक malloc साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड. एक न्यू नोड क्रिएट करोगे और उसके अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ इनकी अलाइनमेंट्स करनी है इन एड्रेसेस की, और हमारा लिंक लिस्ट क्रिएट होती जाएगी. ये बन जाएगी आपकी लिंक लिस्ट. प्रीवियस ऑफ फर्स्ट नोड विल कंटेन नल, एंड नेक्स्ट ऑफ लास्ट नोड विल कंटेन नल. हाँ जी, क्रिएशन स्टेप्स अगेन वही चीज है, दोबारा देख लो एक बार. स्टार्ट इज इक्वल टू नल, स्टार्ट में वैल्यू नल है. क्रिएट अ नोड से नोड विद द हेल्प ऑफ malloc, आप क्या करोगे, एक नोड क्रिएट करोगे. और इसके नेक्स्ट, इसके यहाँ पर क्या करेंगे हम, हाँ जी, प्रीवियस ऑफ दिस नोड विल कंटेन क्या होना चाहिए, सिंस इट इज द फर्स्ट नोड. यस, नल. ये फर्स्ट नोड है, तो प्रीवियस ऑफ नोड में आप नल करवाओगे, नेक्स्ट ऑफ नोड में भी नल करवाओगे, और स्टार्ट के अंदर क्या डाल देंगे. हाँ जी, क्या स्टेटमेंट होगी, अभी विच स्टेटमेंट विल बी यूज्ड? स्टार्ट इज इक्वल टू नल ओवर नोड. Exactly, start is equal to node. जैसे ही आप करोगे, one link will be established between your node and your start. So start is equal to node, previous of this node is equal to null, and next of this node is equal to null.
Next, what we have to do, we have to put some info or item value. So info of node will be equal to item. Item is some variable jo aap value store karwa rahe ho, suppose 10, 20, 30, 40, 50, jo bhi aapko store karwana hai. So one node will be created. Now repeat while your choice is yes, create a new node, create a node, say next of node. See, main yahan par dobara bana deti hu ek bar. This is your start node. First node. Second node and third node like this. चलो साथ साथ create करते रहते हैं. So अभी तक हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने ये टिंकिंग कर दिया और आइटम वैल्यू हमने यहाँ पर क्या डाला है 10. प्रीवियस ऑफ दिस इज इक्वल टू नल है और नेक्स्ट में भी हमारे पास अभी तक नल है और स्टार्ट में एड्रेस कितना आ चुका है. मैं ना सेम एग्जांपल लेती हूँ कि बार बार आपको कंफ्यूजन नहीं हो. तो स्टार्ट में अभी कितना है 1000. सो रिपीट व्हाइल चॉइस इज यस. इफ यूजर वांट्स टू क्रिएट अनदर नोड देन क्रिएट अ नेक्स्ट नोड, से नेक्स्ट ऑफ नोड. सो दिस इज योर नेक्स्ट ऑफ नोड और योर न्यू नोड. दिस इज नेक्स्ट ऑफ नोड. अब हमें क्या करना है, ये है हमारा नेक्स्ट ऑफ नोड. ये सबको समझ में आ गया है, जो सेकेंड नोड है जहां पर मेरी पेंसिल मूव कर रही है, सबको दिख रहा है. This is our second node, which is next of node. Okay. अब इस next of node के previous part में आपको क्या store करवाना है? Address of first node. Address of first node. और address of first node कितना है? 1000. 1000. जैसे ही आप 1000 store करवाओगे, one link will be established between this node and previous node. Suppose address of this particular node is 2000. Okay. अब हमें क्या करवाना है? Next statement. ये statements आपको clear है? Previous of next of node is equal to node. So basically 1000 को हमने कहाँ store किया? Previous of next of node, which is this part. Okay. अब मुझे क्या चाहिए? Node के next part में किसका address चाहिए? हाँ जी, ये node है, ये next of node है. तो node के next part में किसका address चाहिए? Next node क्या है उसका एड्रेस? 2000. स्टेटमेंट क्या यूज करेंगे? नोड इज इक्वल टू नेक्स्ट ऑफ नोड. नेक्स्ट नोड, नोड के अंदर नेक्स्ट ऑफ नोड का एड्रेस आपको स्टोर करवाना है. जैसे ही आप ये स्टोर करवाओगे, वन मोर लिंक विल बी एस्टैब्लिश्ड. नोड इज इक्वल टू नेक्स्ट ऑफ नोड, इट मींस 2000 विल बी स्टोर्ड इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस नोड. गॉट इट? Yes, ma'am. अब क्या करना है यहाँ पर? सॉरी, हाँ जी, अब क्या करेंगे यहाँ पर? हमें क्या करना है? नेक्स्ट नोड के इनपुट वैल्यू करवाना है. वैल्यू आइटम सपोज इट इज 20 और इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या आ जाना चाहिए अब, क्योंकि ये लास्ट नोड है अभी हमारे पास. तो नेक्स्ट नल. So next of node is equal to null. हाँ जी, इतना समझ में आया? Yes, ma'am. Repeat while choice is yes. Again one more node will be created. और value क्या होगी हमारे पास? हाँ जी, value is 30. Address is 3000. यहाँ पर कितना एड्रेस आ जाएगा? 3000. पहले प्रीवियस ऑफ नोड आएगा, यहाँ पे 2000, इसमें 3 आएगा. आपके पास 3000 और जैसे ही दो वैल्यूज आती है, एक लिंक इधर क्रिएट होगा और एक लिंक यहाँ पर क्रिएट होगा. और नेक्स्ट ऑफ दिस नोड में क्या आएगा? नल. एंड योर लिंक लिस्ट विल बी क्रिएटेड इन दिस वे. हाँ जी, एनी डाउट इन दिस क्रिएशन पार्ट? Yes, students. So traversal अब हमें करना है. Traversal of elements in forward direction. Same वैसे ही है जैसे अभी तक आप करते आए हो. So initially अगर start is equal to null है, what does it mean? Empty.
there is nothing to be traversed, so list is empty, simply return करेगा. Otherwise क्या करेंगे, हमें traversal करना है, तो traversal forward direction का बिल्कुल same है जैसे आपने single English में किया था. First हमें क्या करना है, node is equal to start, it means जो भी हमारे पास first node का address है वो start में है, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, node is equal to start, it means start में address है 1000, तो ये हमारा node क्या बन गया, first node. Repeat while node is not equal to null, हम क्या चेक कर रहे हैं, नेक्स्ट पोजीशन चेक करते जा रहे हैं, जब तक नल नहीं मिलता तब तक आप उसके इन्फो पार्ट को प्रिंट करवाते जा रहे हो. सो प्रिंट नोड इन्फो क्या प्रिंट होगा, सबसे पहले 10, देन 20, 30, और जैसे ही नल मिलेगा आपका वहां से एग्जिट हो जाएगा. सो नोड इज इक्वल टू नेक्स्ट ऑफ नोड, नोड इज इक्वल टू नेक्स्ट ऑफ नोड, नोड इज इक्वल टू नेक्स्ट ऑफ नोड, दैट्स इट, एंड 10, 20, 30 विल बी प्रिंटेड. हाँ जी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में बेटा किसी को भी कोई डाउट है, सेम एल्गो है जो हमने सिंगल लिंक लिस्ट में किया था, कोई एडिशनल स्टेटमेंट नहीं है. ये स्टूडेंट्स नो, ओके. बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या आता है आपके पास, इनिशियलाइज अ नोड पॉइंटर, नोड इज इक्वल टू स्टार्ट. अच्छा, मैंने आपको रिवर्सल ऑफ लिंक लिस्ट नहीं करवाया ना अभी सिंगल लिंक लिस्ट में, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा. हाँ जी, इसको प्रोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, जब हम प्रोग्राम करेंगे ना उसके साथ में आपको रिवर्सल करवाऊंगी. बैक ट्रेवर्सल में अब क्या चाहिए हमें, लास्ट टू फर्स्ट नोड तक प्रिंट करवाना. ओके, सिंगल लिंक लिस्ट का डिसएडवांटेज था बैक ट्रेवर्सिंग वॉज नॉट पॉसिबल, सो हमने क्या यूज किया, डबली लिंक लिस्ट. अब हमारे पास आउटपुट कैसा आना चाहिए, 30, 20, 10. कैसे करेंगे, इनिशियलाइज अ पॉइंटर नोड विद स्टार्ट, दैट इज नोड इज इक्वल टू स्टार्ट, स्टार्ट में एड्रेस था 1000, तो जो भी 1000 पर था वो आपका क्या बन चुका है, नोड. अब बैक ट्रैवर्सल ऐसे नहीं होगा, फर्स्ट आपको फॉरवर्ड ट्रैवर्सल से लास्ट नोड तक जाना पड़ेगा. कैसे करेंगे, व्हाइल नेक्स्ट ऑफ नोड इज नॉट इक्वल टू नल, जब तक नल नहीं है नोड इज इक्वल टू नेक्स्ट ऑफ नोड, नोड इज इक्वल टू नेक्स्ट ऑफ नोड, नोड इज इक्वल टू नेक्स्ट ऑफ नोड. कहां पहुंच गए लास्ट में, जैसे ही नल आया कहां पहुंच चुके हैं, हम पहुंच चुके हैं इस नोड पर 3000. हाँ जी, इतना समझ में आया. फर्स्ट वी हैव टू मूव टू लास्ट नोड विद द हेल्प ऑफ फॉरवर्ड ट्रैवर्सल, और जैसे ही नल पोजीशन मिलेगी वही रुक जाएगी. अब क्या करना है, बैक ट्रैवर्सल, बैक ट्रैवर्सल है तो रिपीट व्हाइल नोड इज नॉट इक्वल टू नल, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट दिस नल नाउ. ये जो आपका ये जो नल बना हुआ है प्रीवियस जो है फर्स्ट नोड में, जब तक ये नल नहीं मिलता तब तक हमारी बैक ट्रैकिंग चलेगी. अभी हम पहुंच चुके हैं इस पोजीशन पर, हमें कहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ तक. जब तक ये नल नहीं मिलता आप क्या करोगे, नोड को ट्रैवर्स करते जाओगे. क्या स्टेटमेंट यूज करेंगे, हाँ जी क्या यूज करेंगे, प्रीवियस ऑफ नोड. So print node info and node is equal to previous of node, node is equal to previous of node, node is equal to previous of node, node info आप print करवाते जाओगे, तो क्या print होगा यहाँ पर, 30, then 20 and 10. So this is called back traversal. First हमें क्या move करना पड़ेगा, forward traversal में जाना पड़ेगा last node तक, और जैसे ही आप last position पर move करोगे you have to print this node info and node is equal to previous of node, node is equal to previous of node, node is equal to previous of node, जब तक आपको first node में null नहीं मिल जाता, this until this null is achieved. Got it? Yes, any doubt in this creation part, forward traversal, backward traversal? Yes, students, अगर आपको लग रहा है मैं बहुत fast करवा रही हूँ, please मुझे अभी बताओ, कुछ आपको doubt है इसमें? डबली लिंक लिस्ट का जितना अभी तक हमने आज कॉल, प्लीज पहले तो ना ये जो नीचे स्टूडेंट्स है, जसलीन, जसमीत, मनमीत, रवजोत, ऋषभ, ऋषिकेश, सिमरप्रीत, सुरखा, प्लीज अपनी ब्रांच साथ में मेंशन करिए, मेहरप्रीत, मेंशन योर ब्रांच एंड योर एनरोलमेंट नंबर. बिल्कुल नहीं समझ में आता कि हम किससे बात कर रहे हैं. ऑल ऑफ यू प्लीज रीनेम योरसेल्फ. मैं वो मैलॉक का एक बार फिर से बता दूंगा, मैलॉक मैं फिर से बता देती हूँ, प्लीज रीनेम. मैलॉक क्या करता है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए हम यूज करते हैं मैलॉक.
ये स्ट्रक्चर किसने पूछा है मैलॉक का? मैम प्रणव। चलो प्रणव, आपको स्ट्रक्चर समझ में आया? यस मैम। ओके, तो स्ट्रक्चर में हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? वी हैव टू क्रिएट वन नोड जिसके अंदर एक आपका इंटीजर टाइप हो और दो आपके पास पॉइंटर्स, ऐसी क्रिएशन करनी है हमें। यस मैम। क्या करेंगे? मैलॉक क्या करता है? मैलॉक इज यूज्ड फॉर डायनेमिक एलोकेशन ऑफ मेमोरी। और मैलॉक का सिंटेक्स क्या होता है? PTR इज इक्वल टू, प्रणव आपने सिंगल लिंक्ड लिस्ट अटेंड किया था लेक्चर? मैम एक्चुअली लास्ट दो क्लास अटेंड नहीं किया था। वेरी गुड बेटा, सिंगल लिंक्ड लिस्ट का जो मेजर पार्ट था ना जिसको आपको स्किप नहीं करना था, आपने वो लेक्चर मिस किया, तभी आपको मैलॉक में कंफ्यूजन हुआ, क्योंकि ये सेम सिंटैक्स था इसलिए बाकी किसी ने क्वेश्चन रेज नहीं किया। सी PTR इज इक्वल टू कास्ट टाइप एस्ट्रिक मैलॉक बाइट अंडरस्कोर साइज। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मैलॉक? मैलॉक इज यूज्ड फॉर डायनेमिक एलोकेशन ऑफ मेमोरी। सिंस इट इज डायनेमिक एलोकेशन, तो रन टाइम पर हम इसकी मेमोरी एलोकेट करें, कितनी मेमोरी चाहिए? जितना यहाँ पर बाइट साइज है उतनी मेमोरी। अब हमें यहाँ पर क्या करना है? बाय डिफॉल्ट मैलॉक कैसे रिटर्न करता है, किस टाइप का पॉइंटर रिटर्न करता है? Void type. So we need to do this type casting. That's why we have written cast type asterisk. Now convert this syntax in this particular situation. So we have to create one node, suppose new underscore node. So instead of pointer, we will use new underscore node is equal to malloc byte size. Kitni memory reserve karni hai? Is structure type ki. Aur structure kaisa hai? Single linked. malloc size of struct node, size of operator क्या करता है? जितना आपने यहाँ structure define किया है उतने structure का ये क्या करेगा? size calculate करेगा byte size, और उसको क्या करेगा? memory allocate करवाएगा। so size of operator क्या करेगा? जितना आपने structure define किया है कि one is your info part and second is the next pointer, इतनी memory reserve करेगा और उसको क्या करेगा? by default void type ये pointer return करता है। so we need to do type casting which depends on your compiler. कुछ कंपाइलर्स में रिक्वायरमेंट होगी, कुछ में विदाउट टाइप कास्टिंग ही वर्क करेगा। सो टाइप कास्टिंग के लिए हम क्या लिखेंगे? स्ट्रक्ट नोड एस्ट्री, क्योंकि हमें क्या करना है, किस टाइप का नोड बनाना है? इसी स्ट्रक्चर टाइप का। तो ये क्या होगा? स्ट्रक्ट नोड एस्ट्री। ओके, यस मैम, गॉट इट। हाँ जी, अब एक चीज, जब इसके प्रोग्रामिंग करोगे आज लैब में, प्लीज मुझे ऑनलाइन कंपाइलर्स पर मत दिखाना। लास्ट टाइम बहुत इशू आया है, स्टूडेंट्स ऑनलाइन कंपाइलर पर कर रहे थे, उनका कोई ना कोई वहां पर एरर आ रहा था। तो आप लोगों ने टर्बो सी डाल लिया है या VC++ हो, लेकिन ऑनलाइन कंपाइलर पर कोई भी स्टूडेंट मुझे प्रोग्राम नहीं दिखाएगा। ओके, हाँ जी, ट्रैवर्सल तब सबको समझ में आ गया, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड ट्रैवर्सल। सो नेक्स्ट इज योर इंसर्शन एंड बिगिनिंग इन डब्ल्यू लिंक्ड लिस्ट। सो इंसर्शन इन बिगिनिंग है, क्या करेंगे? क्रिएट अ न्यू नोड, से न्यू अंडरस्कोर नोड। लिंक लिस्ट कहाँ आती है हमारी? ये है लिंक लिस्ट। अब हमें क्या करना है? इंसर्शन इन बिगनिंग है, इट मींस यहां पर एक न्यू नोड क्रिएट करना है विच इज न्यू अंडरस्कोर नोड। हाँ जी, क्रिएट अ न्यू नोड से न्यू अंडरस्कोर नोड। Node is equal to start, जो भी start में address है वो आपका node है, it means 1000 वाला जो है वो आपका node है। अब हमें क्या करना है? अगर इसको first node बनाना है तो क्या आना चाहिए? हाँ जी, अगर इसे first node बनाना है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो start में इस node का address आ जाना चाहिए, isn't it? Yes ma'am. Yes, तो कैसे आएगा? स्टार्ट में अगर हम इस नोड का एड्रेस डाल देंगे और यहाँ पर इसके नेक्स्ट पार्ट में किसका एड्रेस डालना है? फर्स्ट वाले का। कहाँ से मिलेगा फर्स्ट नोड का एड्रेस? मैम वो स्टार्ट पे 1000 ऑलरेडी स्टार्ट से। सो नेक्स्ट ऑफ न्यू अंडरस्कोर नोड में अगर हम स्टार्ट का एड्रेस डाल देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1000। हाँ जी, इतना सबको समझ में आया? यहाँ मुझे एड्रेस किसका डालना है? इस नोड का। ये मुझे कहाँ से मिलता है? स्टार्ट से। तो सिंपली इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या डाल देंगे? जो भी स्टार्ट में एड्रेस पड़ा है उसको यहाँ पर डाल देंगे। वन लिंक विल बी एस्टैब्लिश्ड बिटवीन दिस एंड दिस। और क्या करना चाहिए?
हम उसके फर्स्ट वाले में नल डाल देते हैं। ये जो नल है इसकी जगह किसका एड्रेस आ जाना चाहिए? 800 यहाँ पर हमें डालना है नोड के प्रीवियस पार्ट में न्यू अंडरस्कोर नोड का एड्रेस। वन मोर लिंक विल बी एस्टैब्लिश्ड। हाँ जी, और क्या काम करना है? स्टार्ट में किसका एड्रेस डालना है? आप स्टार्ट इज इक्वल टू 800 करते हो तो क्या आएगा? वन लिंक विल बी एस्टैब्लिश्ड बिटवीन आवर स्टार्ट एंड न्यू अंडरस्कोर नोड और प्रीवियस ऑफ न्यू अंडरस्कोर नोड में डालना है नल। So 1, 2, 3, 4 statements will be there. 4 links है, तो 4 statements will be there. See कैसे होगा? First, next of new underscore node में start के अंदर जो भी address था वो डाल दिया। कहाँ पर? Next of new underscore node में start में address था 1000. So 1000 हमारा कहाँ पर आ चुका है? Next of new underscore node. ये statement में किसी को कोई भी doubt है? ये start में था हमारे पास 1000. So next of new underscore node में आ चुका है 1000. अब new node का address है 800. इसको कहाँ डालना है हमने? Previous of node में. So previous of node हमारा क्या है? 1000 के previous part में हमें store करना है 800. ये क्या है? हमारा new underscore node का address. So previous of node is equal to new underscore node. So 800 कहाँ आ गया? Node के previous part में. प्रीवियस ऑफ न्यू अंडरस्कोर नोड में क्या आना चाहिए? सिंस इट इज योर फर्स्ट नोड तो क्या आना चाहिए? नल। और स्टार्ट के अंदर किसका एड्रेस आ जाना चाहिए? न्यू नोड। 800 अगर हम इसमें स्टोर कर देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? इंसर्शन इन बिगिनिंग ऑफ लिंक्ड लिस्ट। हाँ जी, ये सबको समझ में आया? इंसर्शन इन बिगिनिंग? ये स्टूडेंट्स? यस मैम। हाँ जी, ओके। इंसर्शन एट एंड करना है, कैसे करेंगे? पहले तो एक न्यू अंडरस्कोर नोड क्रिएट कर लो। ये हमारा बन चुका है न्यू अंडरस्कोर नोड। अब इसको कहां पर लेकर जाना है? लास्ट में। लास्ट में लेकर जाना है, इट मींस एंड में। और एंड में जाने के लिए क्या करेंगे? कैसे जाएंगे एंड में? ट्रैवर्स करेंगे। कौन सा ट्रैवर्सल यूज करेंगे? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड ट्रैवर्सल में क्या करते हैं? नोड इज इक्वल टू नेक्स्ट ऑफ नोड, नोड इज इक्वल टू नेक्स्ट ऑफ नोड, नोड इज इक्वल टू नेक्स्ट ऑफ नोड। और कहां पहुंच जाएंगे? इस पोजीशन पर। यहां हम पहुंच चुके जहां पर हमारे पास ये नल आ चुका है। अब क्या करना है? अगर ये हमारा लास्ट नोड बनाना है तो क्या आना चाहिए? इसका एड्रेस है सपोज 4000। हाँ जी, क्या क्या स्टेटमेंट होंगी इस नोड के प्रीवियस पार्ट में? किसका एड्रेस आना चाहिए? 3000। और 3000 वाला जो नोड है उसके नेक्स्ट पार्ट में किसका एड्रेस आना चाहिए? 4000 का न्यू अंडरस्कोर नोड का एड्रेस हमारा कहां पर आ जाएगा? यहां पर। दो लिंक एस्टैब्लिश हो चुके हैं, अब क्या काम रह गया? हाँ जी, कंप्लीट लग गया। न्यू अंडरस्कोर नोड के नेक्स्ट पार्ट में क्या आना चाहिए? नल। नल। वैसे ही आप नल डालोगे। एक्सक्यूज मी। हाँ जी, ये सबको समझ में आया? इंसर्शन एट एंड, क्या स्टेटमेंट्स होंगी इंसर्शन एट एंड में? दिस इज इंसर्शन एट एंड। फर्स्ट हमने क्या क्रिएट किया? न्यू नोड। इनको पार्ट में डाल दिया 40। नोड इज इक्वल टू स्टार्ट। स्टार्ट में एड्रेस था हमारा 1000। ये बन चुका है नोड। रिपीट व्हाइल नोड नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल। ट्रैवर्स करते हुए कब तक जाना है? जब तक लास्ट नोड नहीं आ जाता। और ट्रैवर्सल के लिए स्टेटमेंट क्या है? नोड इज इक्वल टू नेक्स्ट ऑफ नोड, नोड इज इक्वल टू नेक्स्ट ऑफ नोड, नोड इज इक्वल टू नेक्स्ट ऑफ नोड। लास्ट में आप पहुंच गए। हाँ जी, अब न्यू अंडरस्कोर नोड का एड्रेस कहाँ डालना था हमें? नल के लिए। सो नेक्स्ट ऑफ नोड इज इक्वल टू न्यू अंडरस्कोर नोड।
न्यू अंडरस्कोर नोड का एड्रेस कहाँ चला जाएगा, नेक्स्ट ऑफ नोड में. प्रीवियस ऑफ न्यू अंडरस्कोर नोड में किसका एड्रेस आना चाहिए, 3000 का. सो दैट इज योर नोड. नोड का एड्रेस कहाँ जा रहा है प्रीवियस ऑफ न्यू अंडरस्कोर नोड में, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 3000. इतना काम कर चुके हो, वहां का एड्रेस उधर डाल चुके हो, उसका उसमें दो लिंक एस्टैब्लिश हो चुके हैं आपके. अब क्या काम रह गया था, बस नेक्स्ट ऑफ न्यू अंडरस्कोर नेक्स्ट में बस ये हो गया आपका इंसर्शन एट एंड. एनी डाउट इन दिस इंसर्शन पार्ट? चलिए, इंसर्शन एट स्पेसिफिक लोकेशन. कहाँ गया इसका एरो, ही हट गया. हाँ जी, स्पेसिफिक लोकेशन तक करना है. कैसे करते हैं इंसर्शन, ये मुझे टाइप करना पड़ेगा यहाँ पर अगेन. एक स्लाइड मिस हो गई. हाँ जी, कैसे करेंगे इंसर्शन? इंसर्शन एट स्पेसिफिक लोकेशन कैसे करते हैं? आपको स्क्रीन पर क्या विजिबल है अभी? हम नोट्स आ रहे हैं, हैंडरिटन नोट्स दिख रहे हैं ना? यस मैम. चलिए, इंसर्शन एट स्पेसिफिक लोकेशन हमें करना है इन केस ऑफ डबल लिंक लिस्ट. This is insertion in doubly linked list. सबसे पहले क्या करेंगे? First we will create new node, that is new underscore node. Node is equal to start. जो भी start में address था वो आपका बन चुका है. Node count is equal to one. Input insert underscore node. ये सबको समझ में आ गया? Insert underscore node क्या था? ये हमने last उसमें भी किया है, single linked list में भी. What is the purpose of this insert underscore node? क्या चीज है ये? No. This is not the value. And position. Position. Insert underscore node is position. जिस particular position पर आपको node insert करवाना है. और हम क्या करते थे? Statement क्या use करते थे? Count is less than insert underscore node minus one. Why I have written this minus one? Can anyone tell me? मैम, एक position पहले पता चल जाएगा. Exactly. एक position पहले मुझे क्या करना है? वहाँ पर node insert करना है. Just like single linked list. ऐसे ही था ना, सिंगल लिंक लिस्ट में हमें यहाँ पर चाहिए था थर्ड पोजीशन पर नोड. तो हमने क्या किया, एक पोजीशन पहले हमें पता लग जाना चाहिए. हाँ जी, ऐसे ही था ना. अब क्या होगा यहाँ पर, सिंस इट इज डबली लिंक लिस्ट, सी अब ट्रेवर्स करते हुए जाएंगे कब तक, उस पर्टिकुलर पोजीशन तक. तो काउंट इज लेस देन इंसर्ट अंडरस्कोर नोड माइनस वन. नोड इज इक्वल टू नेक्स्ट ऑफ नोड. नोड इज इक्वल टू नेक्स्ट ऑफ नोड. काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस वन. कहां पहुंच गए? थर्ड पोजीशन पर हम पहुंच चुके हैं. हमें थर्ड पोजीशन पर एलिमेंट इंसर्ट करवाना है. सो नेक्स्ट ऑफ न्यू अंडरस्कोर नोड, अगर मुझे ये लिंक लिस्ट का प्रोग्राम बनाना है डबली लिंक लिस्ट, तो डबली लिंक लिस्ट में क्या एडिशनल आता है? यहाँ पर एक, यहाँ एक और आ जाएगा एड्रेस, यहाँ पर एक और एड्रेस है. मैं इसी में मॉडिफाई कर रही हूँ, किसी को कोई डाउट तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हाँ जी, इसी को मैं डबली लिंक लिस्ट क्रिएशन में कर रही हूँ. चलिए, अब होना क्या चाहिए, हमें क्या करना है? अगर मुझे ऐसी बनानी है डबली लिंक लिस्ट जिसके अंदर ये प्रीवियस पार्ट में, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखी है यहाँ पर? सेम स्टेटमेंट है जो सिंगल लिंक लिस्ट पे थी. नेक्स्ट ऑफ न्यू अंडरस्कोर नोड इज इक्वल टू नेक्स्ट ऑफ नोड. दिस इज नेक्स्ट ऑफ न्यू अंडरस्कोर नोड. यहां पर किसका एड्रेस आना चाहिए? ये है आपके पास नोड. दिस इज नेक्स्ट ऑफ नोड. और नेक्स्ट जो आपने बनाया हुआ वो है न्यू अंडरस्कोर नोड. हाँ जी, अब मुझे बताइए नेक्स्ट ऑफ न्यू अंडरस्कोर नोड में किसका एड्रेस आना चाहिए? नेक्स्ट ऑफ नोड का 3000.
ये आ गया आपके पास एड्रेस 3000। फर्स्ट स्टेटमेंट सबको समझ में आई? सेकंड स्टेटमेंट क्या लिखी है? प्रीवियस ऑफ नेक्स्ट ऑफ नोड इज इक्वल टू न्यू अंडरस्कोर नोड। इट मींस प्रीवियस ऑफ नेक्स्ट ऑफ नोड, इसके प्रीवियस पार्ट में किसका एड्रेस आना चाहिए? न्यू अंडरस्कोर नोड। न्यू अंडरस्कोर नोड का, तो जो भी न्यू अंडरस्कोर नोड का एड्रेस था वो कहाँ डाल दिया? प्रीवियस ऑफ नेक्स्ट ऑफ नोड में। हाँ जी, थर्ड स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है? नेक्स्ट ऑफ नोड इज इक्वल टू न्यू अंडरस्कोर नोड। इट मींस न्यू अंडरस्कोर नोड का एड्रेस कहाँ पर डालना है? इस लोकेशन पर। दिस इज नेक्स्ट ऑफ नोड, ये नोड है, इसका नेक्स्ट पार्ट ये है, इसका एड्रेस यहाँ डालना है। हाँ जी ठीक है। yes, और क्या करना है हमें? यहाँ एड्रेस डाल दिया, यहाँ एड्रेस डाल दिया, यहाँ 3000 डाल दिया, अब यहाँ क्या डालना है? नोड का एड्रेस। नोड का एड्रेस, और ये कौन सी पोजीशन है? प्रीवियस ऑफ न्यू अंडरस्कोर नोड। यस मैम। इसके अंदर किसका एड्रेस डालना है? नोड का। सो प्रीवियस ऑफ न्यू अंडरस्कोर नोड इज इक्वल टू नोड एंड एग्जिट। पूरा एल्गो सेम है जो हमने सिंगल लिंक्ड लिस्ट में किया था। सिंपली ये जो आपको ब्रैकेट में स्टेटमेंट्स दिख रही है स्क्वायर ब्रैकेट, ये रेक्टेंगल में, ये एडिशनल स्टेटमेंट्स है, बाकी पूरा एल्गो सिंगल लिंक्ड लिस्ट का। अब आपका होमवर्क है, आपको तीन टाइप का डिलीशन क्रिएट करना है, डिलीशन ऑफ फर्स्ट नोड, डिलीशन ऑफ स्पेसिफिक नोड एंड डिलीशन ऑफ फ्रॉम एंड पोजिशन। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, आपकी सबकी नोटबुक में मुझे ये थ्री टाइप का डिलीशन चाहिए, मैं आपसे शेयर करवाऊंगी, प्लीज उसका पीडीएफ बना करके रखना। ओके मैम, प्रोग्राम बनाना है, एल्गो लिखना है बस, जैसे आपने सिंगल लिंक लिस्ट का एल्गो किया था, हैंड रिटन एग्जैक्टली। आप डबली लिंक लिस्ट का बना करके रखोगे, जैसे हमने सिंगल लिंक लिस्ट का डिलीशन किया।